हेलो, नमस्ते सर। सर नमस्कार, कहिए। आरएनजी लिंक करना दो दो महीना हो गया, अभी तक कुछ आया नहीं। बीआरएमजीएसएस का, हाँ सर, बीआरएमजीएसएस बोलते हैं हाँ सर, क्या? नहीं आया? नहीं कोई खास खबर नहीं आया। ओ, खबर खबर। आप लोग टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं? हाँ सर, मेरा टेलीग्राम चैनल है, मीडिया का टेलीग्राम चैनल है, उसमें जुड़ जाइए। सब चीज को मैं यूट्यूब में नहीं डाल सकता, ठीक है? हाँ टेलीग्राम चैनल में मैं सब चीज डाल रहा हूँ, क्या हो रहा है, क्या क्यों नहीं आ रहा है, क्या सब चीज मैं डाल रहा हूँ, खुल के बात कर रहा हूँ वहाँ। अगर मैं यूट्यूब में डालूंगा तो वो जनरल हो जाएगा, सब सब देख सके देखने शुरू कर देगा, छोटा बच्चा भी, पूरे भारत के लोग देखना शुरू कर देगा। इसलिए उसमें मैं अभी नहीं डाल रहा हूँ, टेलीग्राम में आइए, वहां पर मैं यूनियन के मेंबर है तो वहां पर मैं बात करता हूँ। हाँ सर, और अभी सारा काम तो हो गया, एक लिंक का काम बाकी है और एक ऑफिसर्स का जो नियुक्ति हो रहा है वो बाकी है। हाँ सर, हम लोग का लिंक हो गया। हो गया है? वेरी हाँ गुड, ठीक है। हाँ और जॉइन लिंक हो गया मतलब आप वो जो 20 मांग था ना, वो कर। आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसको आप कोई खारिज नहीं कर सकेगा। यहाँ तक कि हमारे यूनियन का कोई लीडर भी खारिज नहीं कर सकेगा, ना प्रधानमंत्री कर सकेगा खारिज, क्योंकि वो कानूनी दर्जा हासिल कर लिए हैं आप। लिंक का मतलब ये हो गया हाँ सर, जी। और कितने लोगों का? सबका हो गया ना उधर? हाँ, हाँ, हो गया किसी का बाकी रहेगा तो मुझे बताइएगा, सर। हाँ, और लीडर सब परेशान करता है तब भी बताइएगा। मुझे दैनिक कब होगा वही सोच रहा हूँ सर, घर में बैठ बैठ के ज्वाइनिंग परेशान। जून जुलाई आसपास से शुरू कर देगा जैसे लग रहा है, क्योंकि अभी फर्स्ट स्टेज में है हमारा यूनियन, स्टेज बाय स्टेज का काम कर रहे हैं ना। हाँ जैसे हम लोग घर घुसते हैं तो सबसे पहले स्विच आउट करते हैं, रात को रात रहता है, फिर जाते हैं अपने रूम में, उसी तरह से पहले स्विच आउट होने दीजिए। वही टेंशन का है सर, कॉफ होगा जो नहीं, घर में बैठ बैठ के परेशान हो गया। हाँ, सब उब रहा होगा मुझे पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो टाइम तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि अब हमारा यूनियन कानूनी दर्जा हासिल कर लिया है, ठीक है? भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ, आप लोगों का ये यूनियन भारत के संविधान में लिख दिया गया है, और बहुत बड़ा चीज चीज है वो, और रेलवे का एक हिस्सा बन गया है, और अब हिस्सा बन गया है तो उसको सिस्टमेटिक वे में स्टेप बाय स्टेप जो भी डिमांड है, जो कानून कानून के तहत करना है, उसको स्टेप बाय स्टेप अरुण कुमार जी कर रहे हैं, मनोरंजन जी कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं, लगे हुए हैं। और जैसे वो फर्स्ट स्टेप खत्म होगा तो सेकंड स्टेप में जाएंगे, दैट इज शिफ्टिंग, ठीक है? शिफ्टिंग या ज्वाइनिंग जिसको आप कह रहे हैं, ज्वाइनिंग शुरू होगा, फिर ज्वाइनिंग के बाद फिर वेतन वाला बात होना शुरू हो जाएगा, वो थर्ड स्टेप होगा। हम लोग का वेतन क्यों नहीं आ रहा है सर, बोलिएगा। ज्वाइनिंग हो गया तभी वेतन का बात होना शुरू हो जाएगा, फिर जो वो थर्ड स्टेप हुआ, थर्ड स्टेप में सर हम महीना भर काम किया अभी तक वेतन नहीं आ रहा है, वो बात मुझे ही बताया जाएगा, क्योंकि मीडिया हूँ। लीडर लोग तो अपना फोन कॉल भी नहीं रिसीव नहीं करता है, उन लोग को तो हो गया, उस लोग को तो पैसा मिला, बस वो बड़ा खुश है, वो लोग काम के समय खाली कॉल करता है। फिर चौथा स्टेप आएगा आपका, कहिएगा फिर वेतन तो मिला सर, एरियर नहीं मिला है अभी तक, फिर एरियर के लिए आवाज उठाया जाएगा, है ना? फिर आप कहिएगा सर हम लोग का डिमांड में तो था रेलवे के जमीन पर घर बनाना है, उसके लिए अभी तक मुझे फंड नहीं मिला, 5 लाख मिलना चाहिए था, नहीं मिला, हम कौन सा घर में रहेंगे, कहाँ रहेंगे, माल गोदाम तो है, माल गोदाम में काम कर रहे हैं लेकिन मेरा घर नहीं है, फिर उसका आवाज उठेगा। स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, ये पूरे रोड मैप बना हुआ है हम लोगों का, ठीक है? इसलिए निश्चित रहिए, और क्या कहें, हड़बड़ाने से तो कुछ नहीं होता है। ठीक है तभी सर। जी जी ठीक है।